अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान आरबानी एकेडमी। व्यूअर्स, जैसा कि हमने अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 किया था, अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, जिसमें कि गिवन द सेट ए दिया गया है, जिसमें जिसके एलिमेंट्स लिखे गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। और इसके एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इवन इंटीजर हैं जो कि 10 से कम हैं। और उसके बाद सेट बी दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। यहाँ पे इस बी में जो है एलिमेंट्स हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो कि 10 से कम हैं। और यूनिवर्सल सेट दिया गया है, जिसमें है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, इसमें पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10 में। और उसके बाद कह रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, पहले आपको इनकी लिस्ट बनानी है, यानी इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 करेंगे। तो आइए इसे करते हैं जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 में पहले जो है जो सेट दिए गए हैं उनको हम लिस्ट में लिखेंगे, यानी सेट टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट ए बनाते हैं, सेट ए में लिखा गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। इसका मतलब है इसमें जो हैं इवन नंबर्स हैं जो कि लेस देन 10 हैं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4 और 6, और उसके बाद 2, 4, 5 नहीं होता, 6, 7 नहीं होता, 8 होता है और 9 नहीं होता। और उसके बाद हमें बी सेट लिस्ट में लिखना है। तो बी सेट में क्या है कि लेस देन ऑड नंबर लिखने, लेस देन ऑड नंबर, लेस देन 10 ऑड नंबर लिखने। तो 1 ऑड होता है और 3 और दूसरा होता है 5 और 7 और 9। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट बनाना है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स पे हो और वो लेस देन 10 हो। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमने जो है सेट जो है लिस्ट में लिखे, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखे हमने। तो आगे करेंगे इसे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले जो है बी कॉम्प्लीमेंट करें, फिर जो है ए से यूनियन करें। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और ये क्या होगा, यूनिवर्सल से बी जो है डिफरेंस होगा। तो ऐसे लिखेंगे, पहले जो है हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद डिफरेंस की साइन। और बी के एलिमेंट्स क्या हैं, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 1, 3, 5, 7 और 9। तो अब क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है कि यूनिवर्सल का क्या फ़र्क है सेट बी से, कौन से एलिमेंट यूनिवर्सल के सेट बी में मौजूद नहीं है। तो लिखते हैं यहाँ पे 1, यूनिवर्सल का 1 मौजूद है, 2 जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 मौजूद है, 4 मौजूद नहीं है तो 4 लिखेंगे, और 5 है यहाँ पे, 6 नहीं है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और उसके बाद 7 यहाँ पे है, 8 नहीं है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और 9 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 9 है। तो इसका आंसर आएगा 2, 4, 6, 8। उसके बाद क्या करना है, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट कर लिया, अब लिखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6 और 8, और उसके बाद हम यूनियन करेंगे। तो यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर हमने निकाला वो लिखेंगे 2, 4, 6 और 8। अब हम इनकी यूनियन करेंगे, यूनियन में क्या करेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन वो रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और उसके बाद 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और उसके बाद 6 है यहाँ पे तो 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। तो ये जो है आंसर आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का।
जी तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले इंटरसेक्शन करना, ए कॉम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो इंटरसेक्शन करेंगे बी से। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, यूनिवर्सल डिफरेंस करेंगे ए से। तो पहले हम यूनिवर्सल के मेंबर्स लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और उसके बाद हम डिफरेंस की साइन लगा देंगे और ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6 और 8। अब ये बताना है कि यूनिवर्सल का क्या फ़र्क है, कौन से एलिमेंट्स यूनिवर्सल के जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे ये 1 है, 1 जो है सेट ए में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 2 मौजूद है तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 नहीं मौजूद यूनिवर्सल सेट का सेट ए में तो 3 लिखेंगे। और 5 नहीं मौजूद तो 5 लिखेंगे। और उसके बाद 7 नहीं मौजूद तो 7 लिखेंगे। और 8 मौजूद है वहाँ पे, और लास्ट जो है 9 लिखेंगे। तो ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, हमें करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करना है। तो अब हम ए कॉम्प्लीमेंट जो आंसर आया वो लिखेंगे, 1, 3, 5, 7 और 9, और इंटरसेक्शन की साइन दे देंगे। और बी हमें लिखना है, बी क्या है हमारा, बी के एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7 और 9। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स में जो कॉमन, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं हम। तो 1 जो है दोनों में है, मौजूद है, तो ये 1 कॉमन होगा हम लिखेंगे। 3 दोनों में है तो 3 कॉमन होगा हम लिखेंगे। 5 दोनों में है तो 5 कॉमन होगा हम लिखेंगे। 7 दोनों में है तो 7 कॉमन होगा हम लिखेंगे। 9 दोनों में है तो 9 कॉमन होगा हम लिखेंगे। तो व्यूज ये इसका आंसर आ गया। जी व्यूज क्वेश्चन नंबर 11 में करेंगे कि ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल का डिफरेंस करेंगे बी से। तो यूनिवर्सल हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और बी क्या है, यहाँ पे डिफरेंस की साइन दे देंगे। बी जो है हमारा वो है 1, 3, 5, 7 और 9। अब यूज आगे इसका जो है यूनिवर्सल का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, अब 1 यहाँ पे मौजूद है, 1 नहीं लिखेंगे। 2 डिफरेंस है, और दूसरा जो है 4 डिफरेंस है, उसके बाद 6 डिफरेंस है, 6 नहीं है क्योंकि यहाँ पे, और उसके बाद 7 है तो 7 नहीं लिखेंगे, और 8 नहीं मौजूद। तो इसका जो डिफरेंस आएगा यूनिवर्सल का वो होगा 2, 4, 6, 8। यानी यूनिवर्सल का जो सेट बी में जो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं वो 2, 4, 6, 8 मौजूद नहीं है। तो ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद हम करेंगे ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6 और 8। और यहाँ पे डिफरेंस दे देंगे, और बी ये जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था वो एलिमेंट्स लिखेंगे। क्या बी के एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6 और 8। अब देखेंगे कि ए के कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, तो हम ये एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो व्यूज ये इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। इसके जो पार्ट हैं वो हैं 14 पार्ट हैं इसके, नंबर 12 और 13 और 14 हम 14 और 15 अगली वीडियो में करेंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।